हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर ऑल इंडिया काउंसलिंग रिगार्डिंग बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। ये नीट यूजी और नीट पीजी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि एमसीसी द्वारा अब से ऑल इंडिया कोटा के लिए 4 राउंड जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और वो इसी साल लागू हो जाएगा। पहले ऑल इंडिया कोटा के लिए 2 राउंड कंडक्ट करवाए जाते थे, वो भी एमसीसी द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाते थे, लेकिन इन 2 राउंड के बाद जो सीटें वैकेंट रहती थी वो स्टेट को ट्रांसफ़र करवा दिया जाता था और वो सीटें जो है वो स्टेट द्वारा फिल करवा दी जाती थी। लेकिन इसी साल से 4 राउंड हो गए और सभी राउंड एमसीसी द्वारा कंडक्ट करवाए जाएंगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड के बाद भी फोर्थ जो राउंड होगा उसमें सीटें अगर वैकेंट रहेंगी तो वो भी फिल करवा दी जाएंगी। और ये तीनों राउंड में फेस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। ये इसी साल की बहुत बड़ी चेंजिंग है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की है। एमसीसी के 4 राउंड होने से सभी स्टूडेंट को काफ़ी बड़ा फायदा होगा। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट जहाँ कट ऑफ ज़्यादा रहती है, तो इन 3-4 स्टेट के स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी काफ़ी बड़ी अपडेट, और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, जो काफ़ी दिनों से स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि नीट पीजी, नीट यूजी की काउंसलिंग रिगार्डिंग क्या गुड न्यूज़ आए। तो ये जो अपडेट है सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है।